हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं पहाड़ों पे। हम जा रहे हैं आज देवभूमि उत्तराखंड, हो रही है हमारे एक नए सफर की शुरुआत, तो चलें। अभी रुक गए थोड़ा सा सीएनजी बनाने के लिए हल्द्वानी से थोड़ा सा पहले, लाल कुआं से आगे, क्योंकि पहाड़ों पे सीएनजी मिलती नहीं है। ये देखिए पहाड़ दिखने लग गए हम लोग को, थोड़ी सी दूर आते ही लाल कुआं के पास ये पहाड़ है। लगभग 4 घंटे के सफर के बाद बरेली से हम लोग आ चुके हैं अभी कैची धाम। इसको नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। देखिए पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे है जो बाबा का आश्रम है वो, और यहाँ अंदर हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि अलाउड नहीं है। अभी यहाँ बहुत भीड़ हो रही है पर तब भी दर्शन हम लोगों ने कर लिए, 5 मिनट ही लगे प्रसाद का ग्रहण करके। अब हम लोग आगे चलेंगे अल्मोड़ा की ओर। दोस्तों 7 घंटे के सफर के बाद हम लोग पहुँचे जा रहे हैं अपने होम स्टे, जो कि अल्मोड़ा से 20 मिनट की दूरी पर, 7 किलोमीटर दूर और भी ऊपर। और अभी हम लोग जा रहे हैं दुर्गम रास्तों से बेयर गिल्स की तरफ अपने होम स्टे की ओर। एक भैया हम लोग को लेने आए हैं, ये रास्ता देखिए आप, थोड़ा पगडंडी वाला रास्ता है, पगडंडी है। चले चलो चले चलो चले चलो, पापा लग रहा है आगे निकल। हाँ हट, छेड़ के पंजे नहीं है ये, कुत्ते का पंजा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हो चुकी है नेक्स्ट सुबह और अभी हम लोग हैं एयरबीएनबी में अपने। कल इतने लंबे सफ़र के बाद हम लोग थक चुके थे, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग पगडंडी के रास्ते से आ रहे थे। वो ट्रैक लगभग 7 से 10 मिनट की थी ऊपर नीचे, वो ट्रैक भी हम आपको दिखाएंगे। अभी हम आ चुके हैं अपने होम स्टे या एयरबीएनबी आप कह लीजिए, जिसका नाम है ध्यान सदन। ये देखिए आप, ऐसा कुछ गेट है और अभी हम लोग आपको दिखाने वाले हैं ये पूरा एयरबीएनबी। तो ट्रैक करके आप इस गेट से अंदर आते हैं, देखिए रास्ते हैं कच्चे रास्ते। यहाँ पे आपका अपना नेचुरल ऑर्गेनिक गार्डन है। यहाँ पे ये देखिए किस चीज़ के पेड़ हैं, ये मेरे ख्याल से गुआवा के पेड़ हैं और ये नींबू का पेड़ है। तो एक वॉशरूम आपको बाहर मिल जाता है यहाँ पे। और अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं मेन जो यहाँ का जगह है। यहाँ आउटडोर सीटिंग एरिया हो गई, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपका झूला है, यहाँ पे लाइटें, ऐसे बहुत सारे स्मॉल टचेस घर पे लगे हुए हैं। सामने व्यूज़ देखिए पहले आप, फिर बाद में देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए व्यूज़, पूरे गांव का नीचे आपको व्यूज़ मिल जाता है अल्मोड़ा से। ये 20 मिनट के रास्ते पे है। यहाँ पे पेड़ लगे हैं, डालिया वगैरह के। ये है हमारा मेन होम स्टे, बाहर चिड़िया के रहने का नेस्ट हो गया, ये सारी सजाने वाली चीज़ें हो गई। चलते हैं अंदर घर में, देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को मिल गए पापा। पापा नमस्कार, क्या हो रहा है? आशीर्वाद, क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है। नींद आई रात को? नींद बढ़िया आई। बढ़िया। और यहाँ है गरिमा, जिसने अपना ऑफिस स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे आते। ये इसका छुटका सा बेड है, ये लिविंग रूम आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा पार्ट है इनकी लाइब्रेरी, और यहाँ पे देखिए बुक हो गया, बैठ के आप आराम से पढ़िए। यहाँ पे एक लाइट भी लगी हुई है। ये इनका लिविंग रूम। यहाँ देखिए सबसे अच्छी बात है कि सारे जो बुक का कलेक्शन है इनका, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं, दिन भर चिल कर सकते हैं। छोटे छोटे गेम्स भी रख रखे हैं अंदर। ये देखिए जेंगा हो गया, लूडो हो गया, चेस हो गया, जो आप एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। काफी अच्छे से वेल डेकोरेटेड है। चलते हैं, देखते हैं तृप्ति क्या कर रही है। पापा हम लोग को फिर मिल गए। तृप्ति क्या हो रहा है? चाय बन रही है। चाय बन रही है तृप्ति की, इसको अभी भी काम से फुर्सत नहीं है बेचारी को। यहाँ पर देखिए बैठने का डाइनिंग टेबल हो गया आपका, फ्रिज वगैरह है, ओटीजी है, सारे बर्तन वगैरह है, चाहे तो आप बना सकते हैं खाना वगैरह। हम लोग छोटी छोटी चीजें मंगा रहे, बाकी सब कर लेंगे बाहर से आके। एक बार रूम्स देखते हैं छोटे छोटे। यहाँ पर ये है कि आपको सर थोड़ा सा बचाना होगा, पहाड़ी स्टाइल का है, थोड़े छोटे हैं। फैन भी दे रखा है इन्होंने। ये हो गया हमारा एक रूम, थोड़ा सा मेस्ड अप है, लोग सोए हुए थे यहाँ पे। एक लोग आराम से सो सकते हैं, दो लोग भी चाहें तो सो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मास्टर बेडरूम, ये बहुत ही बड़ा है मेरे ख्याल से, किंग बेड से भी बड़ा है। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सजा रखा है, पीछे खिड़की हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे फिर देखिए ये हो गया इनका वॉशरूम और टॉयलेट, ये दूसरा वाला हो गया। यहाँ पे आउटडोर फायरप्लेस भी है, जहाँ पे आप चाहें तो ठंड में स्पेशली फायर लगा सकते हैं। तो ऐसा ही है, यहाँ हम लोग रुकेंगे 3 रातें। मोस्टली प्लान है चिल करने का, साथ में देखेंगे अगल बगल जाएंगे, जरूर ही जागेश्वर धाम जाएंगे, या तो आज या तो कल, हम श्योर नहीं है, जैसा संयोग बनेगा वैसा जाएंगे। और देखिए यहाँ पे सिर्फ गाँव वाले घर हैं,
ये हो गया कितना प्यारा सा घर है, ये दूसरा घर है, और भी यहाँ पे घर हो गए। तो ये पूरा गांव के बीच में ऑथेंटिक स्टे है। अच्छी बात ये है कि पापा का जो असली गांव है वो भी यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पे है। तो इट्स काइंड ऑफ अ होम कमिंग हम लोगों के लिए भी कि जहाँ पापा ने अपना बचपन गुजारा हम लोग वहाँ पे वापस आए। तृप्ति ने नाश्ते की प्लेट लगा दी है बहुत अच्छे से और ये प्लेट जाएगी पापा के हाथ में। अभी निकल रहे हैं शहर की ओर, नाश्ता वाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, भूख लगी है। सुबह बनाया तो था लेकिन उससे उतना पेट नहीं भरा, तो आगे निकल गए हैं पापा, तृप्ति और गरिमा, और कुछ ऐसे दुर्गम रास्तों से होते हुए ऊपर चढ़ते हैं। अभी वो देखिए वो लोग वहाँ पे हो रखे, ये देखिए, ये देखिए पापा। हाँ, और ये रास्ता भूल गए लग रहा है, ये जो है ये मेरे बगैर रास्ता भूल चुके हैं। रास्ता तो भूल गई, रास्ता भूल गई गरिमा। तृप्ति आ गई है, गाड़ी हमारी खड़ी थी यहाँ पेड़ों के बीच, अब निकलते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे आए थे खाने के लिए, नाम है द हॉबिट कैफ़े, 10 मिनट ही है कसार देवी टेम्पल के पास। ये देखिए यहाँ पे एक झूला, काफ़ी सुंदर इनका एम्बियंस हम दिखाते हैं। हम लोगों ने खाना खा लिया है, प्राइसेस थोड़े से हाई में हैं बट ठीक है, ये यहाँ का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है तो एक बार हम लोगों ने सोचा कि खाएंगे। इनका हॉबिट थीम का कैफ़े है अगर आप देखेंगे तो, और अंदर दिखाते हैं। ये देखिए रेस्टोरेंट हो गया और यहाँ पापा मम्मी बैठे। कैसा था खाना? एम्बियंस बहुत अच्छा है इनका, बाहर भी आप बैठ सकते हैं चाहे तो। अब चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों खाना खा के हम लोग आ गए हैं कसार देवी टेम्पल पे, जो कि बस वहाँ से 5 मिनट का ही रास्ता है, और हमारे ऐसे हार्ड लंग को देख के आप समझ ही चुके होंगे कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखिए ये मंदिर है, ये गेट है, यहाँ से फिर सीढ़ियाँ हैं। पापा और गरिमा जा चुके हैं, हम लोगों के पास छाता एक ही था तो उनको भेज दिया है, अब हम लोग उसमें चलते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे लोग लाइफ को अपने कितना रिस्क में डाल रहे, सेल्फी ले रहे हैं, यहाँ से गिरेंगे सीधे, कौन बचेगा ये देखिए आप, बाप रे। गाइस अब उतर रहे हैं नीचे को, यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं जो हम चढ़ के आए थे, अब वापस उतरते हैं और जाते हैं गाड़ी में, इसके बाद चलेंगे नंदा देवी की ओर। अब हम लोग आ चुके हैं अल्मोड़ा शहर में नंदा देवी टेम्पल की ओर, और गलियों से जा रहे हैं हम लोग। नंदा देवी टेम्पल की एंट्री, प्रसाद ले लिया दोस्तों, अब जा रहे हैं अंदर। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो चुकी एक नई सुबह, आज हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर धाम। हालांकि प्लान तो था सुबह 7 बजे निकलने का, पर निकलते निकलते बज चुके हैं अब 9:30, क्योंकि 4 लोगों को तैयार होना था और लोग जल्दी उठ भी नहीं पाए। बट अच्छी बात यह है कि ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है, बिल्कुल धूप है, तो अब चलते हैं जागेश्वर धाम की ओर। Thank you.
गाइस हम लोग पहुंच गए अभी जागेश्वर, यहीं तक गाड़ी अलाउड थी, यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाए। अब अंदर चलते हैं, प्रसाद लेते हैं और दिखाते हैं आपको मंदिर। पापा प्रसाद लेने रुक गए, प्रसाद लेंगे और मंदिर का ये रही एंट्री। आज कम भीड़ है ना? आज कम भीड़ है, अंदर चलो। तो हम लोगों ने कर लिया है जागेश्वर महाराज के दर्शन। यहाँ पे हम लोग आए थे अभी कुबेर भगवान के भी दर्शन करने के लिए। आज अच्छी बात ये है कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, शांति से सब कुछ हो गया। हालांकि सावन का महीना चल रहा है, हम लोग आए अभी लगभग 11 बजे, बज गए हैं लगभग 12:15। यहीं बगल बगल में स्वादिष्ट हम लोगों को दिखी है कुछ चाट पकौड़ी की दुकान और खाना। सोच रहे हैं आज का हम लोग लंच यहीं करके जाएंगे, तो आगे चलते हैं। हम लोग थोड़ी दूर पे आ चुके हैं बढ़िया बढ़िया नाश्ता करने, जो कि है पूड़ी और सब्जी और दही भी है। अब चलते हैं आगे। दोस्तों इस दुकान से हम लोग ये नजर का एक यंत्र ले लिया, ये वाला लिया चुप्पी ने। ये देखो यहाँ पे ये भी है, रंग वाले पिछवाड़े के साथ पोटली वाले पर्स। गाइस हर साल यहाँ पे इतनी बारिश होती है, ठंडा होता है, हम लोग जैकेट लेके आए थे बट धूप से हालत खराब है। अब जा रहे हैं वापस को, रास्ते में दिखाएंगे आपको चितई मंदिर, तो चलिए। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अभी गुलदेवता का मंदिर, जो कि तिप्ति के कुल देवता भी हैं। तो तिप्ति कितने साल बाद आप आई यहाँ पे? 3 साल। 3 साल बाद। पापा आप कितने साल बाद आए? हो गया 3-4 साल से। मॉर्निंग दोस्तों, अब हो चुकी है नई सुबह और हम लोग खाली कर रहे हैं अपना एयरबीएनबी। पापा और गरिमा तैयार हो रहे हैं, बस हम निकलते हैं। ये देखिए छुटकन को, हम लोग निकलते हैं। स्टे जो था हमारा, हम लोग कहेंगे 3 out of 5 star था। नॉट द बेस्ट एयरबीएनबी दैट वी हैव स्टेड इन, बट ठीक है, आप रह सकते हैं। और चलते हैं आगे की ओर। सामान आज हम खुद से कैरी कर रहे हैं, रास्ते में आपको कुछ और सीन्स दिखाएंगे, कुछ चीज़ें पड़ेंगी, तो चलें। रुके हम लोग रास्ते में 2 घंटे दूर और खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं गरिमा? मैगी। और यहाँ पर है देखिए, साथ साथ नदी चल रही है, मैगी खाएंगे फिर आगे चलेंगे। अचानक मौसम ने मारी है पट्टी और हो गई है बारिश स्टार्ट, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों बीच में रुक गए हैं अभी हम लोग नानी से मिलने के लिए हल्द्वानी में। और सबसे अच्छी बात है कि नानी ने पूरा अपना खेत अभी भी मेंटेन कर रखा है, जो कि ये खुद करती हैं। नानी पहले नमस्कार आपको। पहले खेत में ट्रैक्टर वाले को बुलाते हैं, ट्रैक्टर वाला पानी में खेत जोतता है, फिर उसके बाद दो तीन औरतों को लाता है वो अपने साथ। तो धान की पौध रखते हैं हम, एक महीने की पौध हो जाती है तो फिर उसको वो औरतें उखाड़ के खेत में रोपती हैं। ये पीछे वाला खेत, ये पीछे वाला, आइए देखते हैं, बोल देखते देखते खेत देखते देखते ये पूरा पौधा उधर नानी ने मेंटेन कर रखा है। ये हुए यहाँ पे देखिए भुट्टे, नानी ने धान भी उगा रखा है यहाँ पे प्रॉपर, और इतना अच्छा नेचर के बीच में रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे पहाड़ आपको दूर दिख रहे होंगे, ये जो बादल दिख रहे हैं ये पूरे पहाड़ हैं, बादलों से ढके हुए हैं। तो हर सुबह पहाड़ का व्यू लेके उठते हैं और नानी अभी भी खुद से ही सब कुछ मेंटेन करती है, क्यों नानी? हाँ, पूरा करती हूँ। इसमें खरपतवार उगती है उसको अपने हाथ से उखाड़ती हूँ, फिर गाय किसी की गाय को दान कर देती हूँ हरा चारा। इसके बाद फिर यहाँ सब्जी, लौकी की तरकारी, तुरई, लाई के पत्ते, चौलाई, सब सब्जी तैयार, सब्जी रोपती हूँ, बनाती। वही आप लोग वही खाते होंगे ना, तुरई और लौकी? मैं तो घर की खाती हूँ। हाँ। तुरई और लौकी और चौलाई, लाई चौलाई सब, फिर धनिया के पत्ते, धनिया बोती हो तो हरे पत्ते सब्जी में डालने के लिए, दाल में डालने के लिए हरे पत्ते हो जाते हैं। फिर इसके बाद फिर धानों का खरपतवार उखाड़ करके इसमें बाले आ जाते हैं।
खाना खा लिया गाइज, और अभी हम लोग खेल रहे हैं कैरम, और दो लोगों का जोड़ा बैठा है जो जीतेगा, और हम तीनों सोल खेल रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है, बताएंगे। असली पाल भी है तो ममता में होता है।